अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। तबाद के रामलीला ग्राउंड में चल रहे रामलीला मंचन के बाद रामलीला कमेटी द्वारा दंगल कुश्ती का आयोजन कराया गया, जिसमें कई शहरों से पहलवान कुश्ती के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर जीत हासिल की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए अतिथियों द्वारा बताया गया कि इन्हीं में से पहलवान निकलकर पहले स्टेट लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचते हैं और अपने जनपद में अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। कुश्ती दंगल कार्यक्रम शाम से प्रारंभ होकर रात्रि तक चलता रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में दर्शक इसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता प्रशांत शर्मा की एक खास रिपोर्ट। करके इस देश का नाम रोशन करते हैं, इसी से निकल करके एशियन में कॉमनवेल्थ में ओलंपिक में ये पहलवान जाते हैं ताकि इस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक पहलवानों का जो हौसला अफजाई होता है तो उनके गांव का, उनके प्रदेश का, उनके देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा होता है। ऐसे प्रतियोगिता होने से हम लोगों को गर्व होता है, ऐसे प्रतियोगिता हो तो उस देश के, उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको चरित्रवान बनने का मौका मिलता है कि हम भी शरीर को बनाएं, स्वस्थ बनाएं, व्यायाम करें, पहलवान बने, देश के लिए काम करें, अच्छे अच्छे सेना में जाकर, पुलिस में जाकर, रेलवे में जाकर इस देश के शोभा बढ़ाएंगे। आगे इन पहलवानों का हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्ने लाल जी हैं जो कई बार देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी आप मौका दे करके दे रहे हैं। देखिए पहले फिरोजाबाद के दंगल कमेटी को बहुत बहुत बधाई कि कुश्ती का आयोजन करा करके हर साल पहलवानों को अवसर देते हैं खेलने का। तो फिरोजाबाद की जो कमेटी है रामलीला कमेटी, इनके सभी लोगों को बधाई। डॉक्टर दिलीप यादव जी, जो MLC साहब हैं, मनोज जी और पूरे कमेटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि हम लोग यहाँ बुलाए, भैया कुश्ती देखने का अवसर मिला। देखिए कुश्ती जो है पहले हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी था, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी वर्ल्ड में 5 मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किए हैं। अब इस साल उम्मीद है कि कुश्ती भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित हो जाएगा। फिरोजाबाद के बच्चों को मेरा यह है निवेदन है उनसे कि अधिक से अधिक मेहनत करें। एक खिलाड़ी के अंदर दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठिन परिश्रम होना चाहिए, उससे खेल का विकास होता है। पहलवान रामाचंद्र जी, लाल बच्चन जी, हम सभी लोग एक साथ आए हुए हैं और इसलिए आए हैं कि हम लोग घूम घूम करके कुश्ती को देखते हैं, कुश्ती का विकास करते हैं, ऐसे हमारे देश की कुश्ती मजबूत हो। आप सभी लोगों को, मीडिया को, सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तुमको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।